अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। आज दो मैचेस हुए, पहला मैच जो था इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के दरमियान और दूसरा जो मैच था कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ये दूसरी मरतबा सेकंड टाइम एक अच्छे टीम से अच्छे रंग के साथ जीत चुकी है और अच्छा कमबैक है, हम उनको कंग्रेचुलेशन पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ओनर, हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इनकी टीम की दो जो PSL सीजन 3 के जो मायनाज टीमें माने जा रहे हैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, ये कंजेक्टिवली दोनों टीमों को अच्छे रन से हरा दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया है। तो आए जाने इस ऑनर से बात करते हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर, हम इनसे बात करेंगे इस टीम के हवाले से, टीम ने कम बैक किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो टीम ने कल मुल्तान सुल्तान को और आज कराची को, और क्योंकि ये जो बहुत इस PSL 3 सीजन के बहुत अच्छे टीम माने जाते हैं और बहुत अच्छे रन से हरा दिया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह, बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोगों ने, ज़रूरत भी थी क्योंकि हम पिछले दो तीन दफ़ा अच्छा नहीं खेले, दो तीन गेम में थोड़ी लक की भी ज़रूरत थी। तो आज लड़कों ने जिस तरह मेहनत करी है और पिछले एक हफ्ते से जैसे उनके साथ हम लोग उनको जेल कर रहे हैं, उनको मेंटली उठा रहे हैं, तो आज उन्होंने प्रूव किया कि एक टीम है जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स हमेशा लड़ती है और आज फिर लड़े हैं। वो जब बिल्कुल नीचे थे, आज माशाल्लाह नंबर 2 पर आ गए और बस मैं दुआ करता हूँ नंबर 1 पर रहें। टीम बहुत अच्छी है और मैं बस चाहूँगा हमारे जो सपोर्टर्स हैं क्वेटा के पूरे पाकिस्तान में, बस वो हमारे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह ये टीम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सर, क्वेटा ग्लेडिएटर्स दो दफ़ा रनर अप PSL के सीज़न में फर्स्ट एंड सेकंड में रही है और इस दफ़ा आप क्या देखना चाहते हैं कि आप फाइनल में आप रनर अप ही नहीं कि आगे सक्सेसफुल देखना चाहते हैं? देखिए, पहले में तो हमने 175 करके हम हार गए थे, लेकिन दूसरे में हमारे प्लेयर्स नहीं आए थे जिसकी वजह से हमारे, इस दफ़ा अगर अल्लाह ताला हमें फाइनल में ले जाएंगे तो इस दफ़ा माशाल्लाह हमारे प्लेयर्स भी होंगे और इंशाल्लाह हम अच्छा खेल के आपको दिखाएंगे। और ये जीत क्वेटा के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए जीतें, क्वेटा के लोग, बलूचिस्तान के अवाम, और दूसरा पूरा पाकिस्तान हमारे सपोर्ट करता है और PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। यकीनन सर, क्वेटा को जो सपोर्ट कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम, मेरा टोपी भी जो पहना है गिलगित बल्तिस्तान का, इनका स्पेशल पैगाम था कि इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को कर रहे हैं, क्योंकि मैं मुशरफ साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, उसके भी यही अल्फाज थे कि हम क्वेटा ग्लेडिएटर्स को कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बहुत शुक्रिया गिलगित बल्तिस्तान से भी, सब लोगों को जो सपोर्ट किया और तमाम लोग जो क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, गुड लक।